हेलो गर्ल्स एंड बॉयज, दिस इज निर्भय परमार, यू आर वाचिंग माय चैनल। आप देख रहे हो व्लॉग विद निर्भय। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो आज की हमारी हो रही है व्लॉग एक्सपर्ट, एंड आज का व्लॉग हमने डाल दिया है, आप अभी डाला है, शॉर्ट भी डाला है, तो वो सब कार्यक्रम हो चुका है और ये डाली हमने कल की व्लॉग एक्सपोर्टिंग में। तो लेट्स गो। तो गाइस हो चुके रेडी और जा रहे हैं हम लोग, मतलब जो हमारी बाइक थी वो R15 अंकल वाली, तो वो गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, तो हम लोग जा रहे हैं वो गाड़ी को ठीक करवाने के लिए शोरूम में ले जा के, और देखते क्या प्रॉब्लम निकलता है, कब तक ठीक होगी। तो मैं और भार्गव दोनों जा रहे हैं, हो गए रेडी, तो लेट्स गो। Part of me wants to stay forever. Part of me is afraid to get hurt. Love always made a mess of me. तो गाइस हम लोग आए हैं यहाँ पे लाखोटा लेक, और बहुत टाइम के बाद आए, तो हम लोग जा रहे थे ये गाड़ी को देने, क्योंकि ये गाड़ी में थोड़ा प्रॉब्लम है और गाय ने गाड़ी को गिराया था, यहाँ पे भी है थोड़ा और यहाँ पे भी थोड़ा आ गया है स्क्रैच, तो वैसे भी बहुत बोझ हो चुकी है, तो हम लोग इसको जाएंगे देने शोरूम में। तो बस हमने सोचा रास्ते में ही आता है तो यहाँ पर भी होके आए, और बहुत टाइम के बाद आया तो अच्छा लग रहा है। मैं और भार्गव आए हैं, और आज की ये राइड थी ये, और भार्गव चला रहा था ये एक्टिवा, और ये थी R15, सो मजा आ रहा है। Broken heart got the best of me, but with you I am high, I'm alive, and it feels like paradise. It feels like paradise. And it feels like paradise. ये था हमारा थोड़ा सिनेमैटिक शॉट्स, और हम जा रहे हैं, हम लोग ने सोचा कि थोड़ा टाइम वेस्ट यहाँ पे ना करें और सीधा जाते हैं शोरूम पे, और ये गाड़ी को देख के आए तो जल्दी हो जाएगी तो अच्छा है, और हम लोग जाएंगे सीधा ये गाड़ी लेके घर पे, और घर पे आपको बताया क्या सीन है, तो लेट्स गो, चलते सीधा शोरूम। मार्केट शोरूम में, और हम लोग ने बात तो कर लिया है, और सीधा जा रहे हैं ये भैया लेके जा रहे हैं हम लोग को गाड़ी देने के लिए, और ठीक हो जाएगी तो फिर वापस लेके आए लेने के लिए आएंगे। वो भैया तो अभी गए टेस्ट ड्राइव लेने के लिए, वो बोले कि मैं देख लेता हूँ कि पहले क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने सोचा ठीक है देख लो आप अपने हिसाब से, फिर रिपेयर करके दे देना हम लोग को। तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, और ये है यामा का शोरूम जहाँ पे हम लोग आए हैं, तो देखते रहो मजा आए। तो गई हमारी बाइक अंदर, और आएगी रिपेयर करके, फिर फोन कॉल करेंगे, फिर हम लोग आएगा लेने। तो गाइस यहाँ का सब कुछ काम हो चुका है, और हम लोग जा रहे हैं अभी सीधा घर पे, और यहाँ का मतलब गाड़ी देनी थी हम लोग को, गाड़ी दे दी है भैया ने, बोला कि हो जाएगी शाम तक, कॉल कर दे के आप लेके आए ले जाना, तो मैंने बोला ठीक है चलो कोई नहीं आ जाएगी। तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं घर पे, और कॉल आएगा तब जाना है गाड़ी लेने, सिंपल है। और घर पे आया, मम्मी जी खाना बना रहे, फिर खाना खाएंगे, और खाना खा के फिर हम लोग एक कंटेंट सोच रहे हैं, मतलब सोच लिया है, और उसके ऊपर अभी काम करना है, तो वो आपके लिए सरप्राइज रहेगा, तो मैं और भार्गव दोनों दिखेंगे उसमें। तो खाना खा के उसकी शूट करेंगे, मैं आपको दिखाता रहूँगा बीच बीच का, तो देखते रहो मज़ा आएगा। तो गाइस टूट गया है नल, और देखो पानी कैसे बह रहा है, अभी इसको ठीक करवाना पड़ेगा, और सब जगह के नल चालू कर दिए, तो ताकि ऊपर से खाली हो जाए और ताकि ये प्रॉब्लम ना रहे, फिर इसको ठीक करेंगे अच्छे से। तो देखो ऐसे बह रहा है। तो सीन हो गया कुछ ऐसा कि मैं, भार्गव और पापा यहाँ पे वीडियो देख रहे थे हमारा, और मम्मी आए नीचे कि जल्दी जल्दी आओ, पापा को बोले कि नल टूट गया, मम्मी ने पूरा नल खोलने के बजाय पूरा घुमा दिया, तो पूरा पाव हो गया टूट गया, तो भी कराएंगे रिपेयर उसको भी, आपने जैसे देखा पानी पूरा ऊपर से नीचे आ रहा है, तो वह बोले ठीक है कोई नहीं आने दो, फिर हो जाएगा पानी खलास, तो उसको ठीक करवा लेंगे और वापस पानी चढ़ा देंगे, तो ऐसा कुछ सीन है हुआ। ये मेरा फ़ोन बंद हो गया है, पता नहीं क्या हो गया इसको इसके अंदर, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है,
मैं चार्ज में रखता हूँ तो स्टार्ट होता है, और चार्ज जब ख़त्म हो जा रहा है तो मतलब पता नहीं ऐसे बंद हो रहा है। वैसे चार्ज इसमें है, मैं बहुत टाइम चार्ज किया इसको लेकिन ये ओपन ही नहीं हो रहा है। रिस्टार्ट मारा, सब कुछ करके दिया, पूरा खाली कर दिया, लेकिन स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। तो ये फ़ोन है सैमसंग गैलेक्सी F50S ऐसा कुछ करके है, मेरे को याद नहीं, F50S ही है। तो जिसको भी पता है कि कैसे ठीक होगा या जो कुछ भी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, मैं आ जाऊंगा। मैं हूँ फ़िलहाल अभी जामनगर, सो जामनगर में हूँ, तो जामनगर के लोग पब्लिक देख लेना आपके हिसाब से, क्योंकि मम्मी और पापा आज गए थे बाहर, तो हम घर में कुछ करवाने वाले हैं। तो मम्मा बोल रहे थे कि अभी घर में थोड़ा फैमिली इवेंट भी है, तो पापा और मम्मी बोले कि घर में थोड़ा कलर वलर करवा लेंगे और कुछ भी करवाना है तो वो सब देख लेना, वो उसका भी ब्लॉग मैं बनाऊंगा। तो आपको अब तो आपको रोज़ देखने को मिलेगा ही क्या कुछ मेरी लाइफ में हो रहा है, तो बस सब्सक्राइब कर लो, मज़ा आएगा। तो अभी हो रहे शॉर्ट वीडियो एडिटिंग, और फ़ोन आया पापा का, तो बोले खाना खाने आओ नीचे, तो लेट्स गो, खाना खा के आते। और ये भाई अपना भार्गव एडिट कर रहा है और डाल रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा। इतने डाले आज, आज तो मतलब आज तो हम लोग ने डाले वीडियो, देखो कितने वीडियो डालते, 17 जनवरी 1 2 3 4 पांच वीडियो तो डाल दिए हमने आज, दो पेंडिंग में और दो पेंडिंग में। अच्छा लग रहा है भाई, सही जा रहे हो। और ये आया, अपलोड हो रहा है, अपलोडिंग में है, और एक भी अपलोडिंग में, क्या बात है, और एक्सपोर्टिंग चल रहा है, और एक्सपोर्टिंग में भी है, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, और एक एडिट भी हो रहा है, क्या बात है। तो फाइनली नल हो चुका है ठीक, बहुत ही प्रयास के बाद ये ठीक हुआ है, तो बस वो ठीक तो हो गया है, और मशीन में कपड़े भी चालू है धोने। तो फाइनली गाइस हमने खाना खा लिया है और वो रिपेयर भी हो चुका है जैसा आपने देखा, तो बस हम लोग का ये थोड़ा सेट हो जाए फिर हम लोग जाएंगे आज। और तो गर्ल्स एंड बॉयज हम देख रहे हैं, मैं और ये अभी आज का व्लॉग हमारा, तो ये अभी देख रहा था तो मैं बाजू में शो के मैं भी देख रहा था, देखो आज का हमारा व्लॉग प्ले करो, तो मज़ा आ रहा है खुद का ब्लॉग देखने में, मतलब मज़ा आ रहा है यार। अभी मैं चैनल को सब्सक्राइब करो, ब्लॉग देखो यार, मज़ा आएगा, कितने सारे ब्लॉग हम लोग ने डाल दिया पता है आपको। तो गाइस हम लोग तैयारी कर रहे हैं शॉर्ट वीडियो की, आपको पता ही है ड्रेस किसका है, पापा जी का। तो आज का शॉर्ट वीडियो में आज आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि खतरनाक कॉन्टेंट मिल गया, मज़ा आएगा। तो देखो, तो मैं हो रहा हूँ रेडी पापा जी के कैरेक्टर के लिए, और यहाँ पे देखो मैं रेडी होता हूँ, और ये है अपना पूरा सेटअप जो कि अभी अस्त व्यस्त पड़ा है। तो ये देखो हो जा रही है, मतलब सेटअप लग रहा है अपना, तो मतलब एक शॉट यहाँ पे लेना है विंडो पे, और देखो इसके लिए लाइटिंग लगाई जा रही है, और मैं हो रहा हूँ रेडी। तो ऐसा कुछ सीन है बाबूदा। तो यह है मेरे कैरेक्टर का शर्ट जिसका नाम है पापा जी, और बेटे जी का आज हमने स्कूल ड्रेस का कॉस्ट्यूम भी ढूंढ लिया, तो मज़ा आया। और आज के वीडियोस अच्छे बने हैं, मैंने मतलब अच्छा ट्राई किया, मैं जितना हो सके उतना अच्छा करने की ट्राई की है, कोशिश की है। तो प्लीज़ शॉर्ट वीडियो जाके देखो, और मैं जरूरी बात अब तक नहीं बोली लेकिन इस वीडियो में बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर रहा मत बोलो, वो तो हर वीडियो में बोलता हूँ, इंस्टाग्राम फॉलो करो, मैं मेंशन कर दूंगा इंस्टाग्राम पे, जाओ जल्दी फॉलो कर लो अपने भाई को। तो ये भाई कर रहा है अपना सेटअप रेडी, और स्क्रिप्ट देखो बुक में लिखा है, कुछ बोलना चाहोगे भाई? चलो शॉर्ट शूट, लाइट में आ जाओ थोड़ा, क्या हुआ, कैसी फीलिंग आज के? बस मस्त, और अच्छी कंटेंट राइटिंग है भाई आपकी, अच्छे लिखते हो, और ऐसे ही लिखते रहो, मजा आएगा, मिलके मचाएंगे एग्जाम। चलो तो लेट्स गो, मैं ले रहा हूँ यहाँ पे टेक,
तो वीडियो जाएगा देख लेना। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ, टेक दे, आ रहा हूँ आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। तो गाइस मेरे को 6 बजे मम्मी को लेने जाना था, तो मैं थोड़ा लेट हो गया, मेरे को लगा मम्मी डांटेंगी तो, लेकिन मैं टाइम पे पहुंच गया था जैसे वैसे करके, लेकिन टाइम पे तो नहीं पहुंचा था मैं, लेके नहीं आ पाया। मम्मी खुद ही आ गए थे लेकिन मेरे को डांटा नहीं, मुझे लग रहा था कि मम्मी डांटेगी, नहीं डांटा, कोई नहीं, अच्छा है, ठीक है। और हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे देखो टाइम टेबल अपना पूरा बना रहे हैं, ऐसे करके ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। भाई अपना ब्लॉग देख रहा है कंप्यूटर पे, तो ये अभी नेक्स्ट वीडियो एडिट करेगा, ऐसे करके सीन चल रहा है यहाँ पे। कोई नहीं, मैं बैठे बैठे देख रहा हूँ, आज नाइट आउट करने वाले हैं शायद से, करना पड़ेगा, शूट है तो करेंगे खत्म। और अभी बजे 11:20, तो बस यही सीन चल रहा है, हम लोग अभी बैठे हैं, इसको करेंगे कंटिन्यू। अभी थोड़ी देर में ये एडिट हो जाएगा, फिर हम लोग सीधा करेंगे शूट, सेटअप थोड़ा रेडी है हम लोग का, और थोड़ा करना बाकी है, वो हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, और कर लेंगे शूट। गाइस बहुत खतरनाक सीन हो गया, हम लोग एडिट कर ही रहे थे, पूरा एडिट कर दिया भार्गव ने, और उसमें एक एक सिर्फ इतनी इतनी सी डायलॉग में मेरी थोड़ी गुजराती वाली फीलिंग बाहर आ गई थी, इतना डायलॉग, इतना सा डायलॉग बिगड़ गया, और पूरा मतलब मेरे को भी शूट करना पड़ा। मतलब क्या यार, क्या सीन हो गया यार, तब हम लोग ने नोटिस ही नहीं किया यार, मतलब इतना सा था, बिल्कुल बिल्कुल माइनस, मैंने पानी को पानी बोल दिया। बजे 11:44, तो यार ऐसा कुछ सीन हो गया यार, मतलब ओबियसली यार वी आर ऑल्सो गुजराती एंड गुजराती फैमिली बैकग्राउंड, तो ओबियसली हम लोग यहाँ गुजरात में जामनगर में रहते, तो गुजराती मतलब वो वाली फील तो आ ही जाएगी यार, मतलब हम लोग लिटरली ऐसे शूट कर रहे हैं तो तब नोटिस ही नहीं किया, और पूरा अभी हो अभी कर रहे हैं अभी यार, क्या करेंगे, शूट तो करना पड़ेगा। ये देखो पूरा भार्गव अपने अंदाज में सब लगा रहा है, और उसको भी नींद आ रही है, लेकिन कोई नहीं यार, अभी देखो टाइम कितना हुआ, 1:45, यार कोई बात नहीं यार, हो जाएगा, हम लोग कर लेंगे। और ये देखो सारा सेटअप लग रहा है, और ये देखो हमारा पूरा वॉकिंग, मैं कंटेंट लिख रहा था, और अभी कुछ नहीं, मैं टैग देने के टाइम हो गया। तो फाइनली गाइस बजे 12:30 AM, तो आप देख सकते हो, और अभी भी लास्ट शॉट बाकी है, और मैं अभी भी एनर्जी में थोड़ा थोड़ा हूँ, और थोड़ा थोड़ा नींद में हूँ, क्योंकि यार आप पूरा दिन ऐसे ही गया है मेरा, तो भाई करना तो है तो करना पड़ेगा, तो कर रहे हैं, एंड अब लास्ट सीन ही बाकी है, फिर आई थिंक अभी भी 10-15 मिनट लगेंगे शूट करके, फिर हम शूट करके सो जाएंगे, फिर करेंगे सुबह एडिट हमारे भार्गव भाई। फिर आज का व्लॉग तो इतना ही रखते हैं, इतना नहीं रखते, चलो आगे भी जाते हैं, देखते हैं हम लोग का कितने बजे तक शूट होता है, तो आप भी देख लो, मजा आएगा, लेट्स गो, मैं शूट कर लेता हूँ फिर आपसे मिल। तो गाइस फाइनल हो गया शूट कंप्लीट, और बजे 1:05, ओ माय गॉड 1:05 AM, एंड देखो फिनिश हो गया शूट, एंड आज का व्लॉग भी एंड करते हैं। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितना हो सके इतना वीडियो शेयर करो, फ्रेंड्स लोग को बोलो, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना भाई को सपोर्ट करें, और मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में, बाय। All these ones and zeros, nothing in between. But there's so much more to me than eyes can see. Than eyes can see. I'm not binary.